अल्लाम कैसे हैं आप सब मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अल्लाह पाक अपने करम से आप सब की परेशानियाँ मुश्किलें आसान करे और मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे कि हमारे लिए ब्लॉग में दुआ करें कि हमारा नसीब अच्छा हो और हमारी मुश्किलें आसान हो तो मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ अल्लाह सब के नसीब अच्छे करें फिर वो लड़के हों या फिर लड़कियाँ हों आमीन सुमीन मैं उम्मीद करती हूँ आप सब के रोजे बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे वैसे भी रोजे जो है गर्मियों में नहीं है एंड आगे 10-20 साल भी आई गैस गर्मियों में रोजे नहीं होंगे तो बस इन रोज़ों का हमने फ़ायदा उठाना है और सारे रोजे रखने हैं कोई भी मिस नहीं करना गर्मी का तो बिल्कुल अब बहाना ही नहीं है ना किसी को जो कहते थे कि बहुत गर्मी में नहीं रख सकता या सकती रोजे और यहाँ पे देखिए जी मैं बना रही हूँ आलू जो कि सिंधी आलू होते हैं लाइक सिंधी रेसिपी है और ये जो है ना सिंध में बहुत बनाई जाती है जो भी लोग मुझे सिंधी फैमिली से देख रहे हैं बता सकते हैं कि ये आलू जो है ना उन्होंने कभी ना कभी तो ज़रूर ज़िंदगी में एक दफ़ा ही सही लेकिन खाए होंगे और अगर आप पंजाब से हैं या फिर उर्दू स्पीकिंग है तो तभी आप मुझे बताएं कि आपके घर में ये बनते हैं क्योंकि ये जो है ना बहुत फ़ेमस है सिंध में स्पेशली इंटीरियर सिंध में और ये वाले आलू बनाना बहुत ईज़ी होता है इसमें आपने गोल कट करना है तकलीफ पतले कट करें ताकि कड़क से बने और उसमें आपने क्या है नमक कुटी हुई मिर्च ग्रीन चिलीज़ ऐड करके इसको कवर कर देना है ये खुद ही जो है ना पक जाएंगे मीडियम फ्लेम पे और बहुत मज़े के बनते हैं और इन आलू के साथ ना पराठा बहुत बहुत मज़े का बनता है ये वाला पराठा जो है मैंने अपनी अम्मी को बनाते हुए देखा है तो बस मैं वो फॉलो करती हूँ और ये क्या पराठा बनता है आपने ये लाजमी ट्राई करना है अगर आपको कोई लेयर वाला पराठा चाहिए आप लच्छे वाला नहीं बना सकते मेरी तरह तो ये वाला मस्ट ट्राई है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये जो है ना मैं देसी घी के साथ बना रही हूँ फिर तो जो है ना मैं आप बता नहीं सकती क्या ये जो है ना सैरी बनी थी और देखे बस मैंने इसकी इस तरह से लेयर्स की हैं आपने स्क्रीन पे देखा होगा और बस इसको ना हल्के बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ना आपने इसे बेलना है बाकी लच्छा पराठा मैंने बहुत ट्राई किया है वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बना जो बात है सीधी बात मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ वो मुझसे नहीं बन रहा और अगर इसकी कोई टिप एंड ट्रिक है लच्छे पराठे बनाने की तो मुझे ज़रूर बताइएगा और देखिए ये पराठा इतना मज़े का बनता है ना इसका आपने फूलना चेक करना है कितना अच्छी तरह से फूल रहा है ये और ये आपने ऑयल में नहीं बनाना ये आपने देसी घी में बनाना है ये फिर हेल्दी भी रहता है और आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा क्योंकि देसी घी में ना हेल्दी फैट होता है और फिर जब आप ये चीज़ें सैरी में खाते हैं ना सारा दिन आपके पास एनर्जी होती है एक तो देसी घी हो गया नेचुरल सा फिर ये आटे का पराठा हो गया ये पराठा बहुत मजे का है मैं एक्सैजरेट नहीं कर रही लेकिन आपने जो है ना चेक करना है लाइक बना के फिर आपने मुझे बनाना है आप भी बना के खाइएगा ये आलू भी और फिर जो है ये हमारे आलू देखें कितने मज़ेदार रेडी हो चुके हैं अच्छा तो चलें सैरी करते हैं मैं आपको पराठे की लेयर भी चेक करा रही हूँ कितनी मज़े की लेयर्स बनी है ना और उसके साथ जो है मैंने बस अपना कहवा पिया और सैरी पूरी कर दी मैं आज दस ग्यारह बजे सोई थी सुबह को क्योंकि मुझे व्लॉग एडिट करना था इतनी ज्यादा मेहनत लगती है ना और आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते व्यूज़ तो बहुत होते लेकिन लाइक कम होते हैं लाइक शायद आप लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज जब भी आप वीडियो देखें मेरी नहीं किसी भी यूट्यूबर की तो लाइक जरूर किया करें क्योंकि उस वीडियो के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है खास करके रमज़ान में वीडियो बनाना उसको एडिट करना अपलोड करना एस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हैक्टिक हो जाता है तो खैर चले अभी देखें यहाँ पे इफ्तार की तैयारी हो रही है वैसे मैं सोच रही हूँ आज अपना काम आसान करती हूँ और लेफ्ट ओवर से इफ्तार बनाती हूँ आपने एंड तक देखना है कि मैं कैसे लेफ्ट ओवर से इफ्तार प्रिपेयर कर रही इसको जो है ना हमने इसका बैटर बना दिया है चिकन के लिए वो चिकन हम इसमें फ्राई करेंगे फिर जो है वो रैप्स बन जाएंगे अच्छा लेफ्ट ओवर से जो मैं खाना बनाने वाली हूँ ना लाइक कोई आइटम बनाने वाली हूँ तो वो बिल्कुल ही इजी है और मैंने कहा कि वो एंड में बनाते हैं अभी जो है वो बेसन मिक्स निकाल के मैं बेसन वाले सॉरी बेसन वाले क्या होता है बेटा अनियन वाले जो है पकौड़े बनाती हूँ तो मैं बिल्कुल बाहर मार्केट स्टाइल वाले बनाती हूँ इसकी रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा दी हुई है और बस रोज़ ही बनते हैं रोज़ ही बनते हैं तो मैंने कहा मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर तो करती हूँ तो ये भी शेयर कर लेती हूँ कि हम जो है रोज़ ये बनाते बनाते हैं तकरीबन दही फुल्कियाँ भी रोज़ बनाते आप लोग मुझे बताएं कौन सा ऐसा आइटम है जो कि आपने इफ़ार में रोज़ खाते रोज़ बनाते अगर आप ना बनाए ना तो आपको एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग आती है कि ये क्यों नहीं बना साथ ही साथ देखिए यहाँ पर मैं अपना कहवा भी ही बनाती हूं। मैंने छोड़ी नहीं है अपनी डाइट लाइक मैं अपना वेट मेंटेन कर रही हूँ फिर भी पता नहीं क्यों ब्लोटिंग ब्लोटिंग सी फील हो रही है रमज़ान में तो बस सब कह रहे हैं कि ये होती है रमज़ान में सबको फ़ील होती है मैं कोई अनोखी नहीं हूँ तो बस गनीमत है उन लोगों के लिए जो कि पतले होते हैं कुछ भी खा लेना कुछ नहीं होता होता उन्हें और यहाँ पर देखिए रैप बना रहे हैं हम और यहाँ पे फजीता स्प्रेड लगाई है सबसे पहले हमने उसके बाद जो है ये कैचअ एंड माए का जो मिक्सचर बनाते हैं ना हम तो वैसा बने बनाया जो है यंग से मिल रहा है वो हमने इस पर ऐड कर दिया दो सॉस लगाई बेसिकली और इसके बाद इसमें सलाद पत्ता कट करके ऐड किया और फिर जो है ना ये चिकन जो मैंने आपको बताई वो फ्राई करके वो ऐड कर दी है और ये इतने मज़े के रैप्स बने थे ना आपने ज़रूर ट्राई करना है आप कहेंगे कि मेकडॉनल्ड्स और केफ के रैप्स जो है ना आप भूल जाएंगे इतने मज़े के बने थे और बस इसको आपने जो को, जो है ना बिल्कुल रैप कर देना है रैप्स को <laughs> और जी यहाँ पे देखें प्याज वाले पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं मैं इनको जो है कोशिश करती हूँ सारा ऑयल इन में से निकालू पेपर रख के दो तीन बार इनमें से ऑयल निकालती हूँ और देखिए फिर आपने ग्रिलर पर या फिर सादे फ्राई पैन पर इनको जो है ना थोड़ा सा ग्रिल कर देना है गर्म कर देना है एंड यहाँ पर मैं ग्रिलर पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके जो निशान है ना वो बहुत ही मज़े के लगते हैं वे वही बात आ गई ना प्रेजेंटेशन आप अच्छी रखते हैं तो फिर खाने वाले का भी दिल करता है आपका खाना अच्छा भी ना हो ना प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो फिर लोग कहेंगे क्या बात है क्या टेबल सजाइए तो बस छोटी छोटी ये बातें होती है जिसकी वजह से आपकी और ज़्यादा तारीफ़ होती है और यहाँ पर इंतज़ार हुआ पूरा यहाँ पर मैं बना रही हूँ लेफ़्ट ओवर पैकेटीज से सिंगापुर राइस सिंगापुर राइस कह लें सिंगापुर की बिरयानी कह लें क्योंकि ये बिरयानी की तरह ही लेयर्स होती the थोड़ा सा चीज़ों को मोडिफाई करके नाम चेंज कर दिए हुए हैं नहीं तो आप नूडल राइस भी कह सकते हैं इनको तो बस यहाँ पे मैंने स्पैक्रीज कल वाली निकाली आपने देखा होगा कल वाले ब्लॉग में मैंने बनाई थी और इसमें थोड़ी सी जो है ना हनी ने एक गार्लिक कैचअप ऐड कर दी है और जो थोड़ा सा सॉसी बनाने के लिए बस और कुछ भी नहीं ऐड करना चाहिए ठीक है नहीं तो फिर छोड़ दें और यहाँ पर आपने देखा शुरू में मैंने बॉयल राइस किए थे और उसके बाद जो है लेयर कर देनी है जैसे कि हम बिरयानी में करते हैं बिल्कुल वैसी तरह और बहुत ही सौ तरीके होते हैं सिंगापुर राइस बनाने के मैं बिल्कुल इस तरह से बनाती हूँ और तब भी बनाती हूँ जब हमारी स्पैगिटीज़ की लेफ्ट ओवर हो जाती है और यही मैं केचप ऐड कर रही हूँ एज अ सॉस जो कि के कैचअप एंड मायो की होती है और ये सॉस बहुत ही यमी है यंग्स की है तो आपने लेनी है लाजमी और सिंगापुर राइस में या फिर अपनी फ्राइज़ वग़ैरह में हर चीज़ में यूज़ हो सकती है हमने तो रैप में भी यूज़ की है अच्छा तो यहाँ पे हमने रैप्स को बिल्कुल ही तैयार कर दिया है अब इनको हम जो है छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे अगर आप पांच-छह भी हैं ना फैमिली मेम्बर्स तो आपने दो ऐसे बनाने तो मोर देन एनफ हो जाता है इफ्तारी के बाद भी हमने खाए थे आपने ट्रे देखनी है और फिर आपने क्वांटिटी का अंदाज़ा लगा देना है अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब एस यूजल यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन कर रही हूँ और इन लीव्स का कोई फ़ायदा नहीं है बस ये दिखने में अच्छी होती है एक तो व्लॉग में भी अच्छी आती है दूसरा खाने में भी देखने में भी अच्छे लगते हैं और यहाँ पे जी आपने क्या करना है जैसे हम राई देते हैं दाल को जैसे हम प्याज़ और धनिया लगाते हैं बिरयानी को वैसे ही हमने सिंगापुरियन को गार्लिक का तड़का लगाना है उसमें हमने जो है ऑयल ऐड किया गार्लिक ऐड की फिर हमने जो है वो गोल वाले मिर्च ऐड किए जो रेड कलर के होते हैं और फिर हमने बहुत ज़्यादा भी ऐड किया और इस राई की वजह से इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना सारा जो गेम है ना वो इस राई का है तो आपने ये जरूर लगानी है राई तो खैर सिंधी में कहते हैं मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं और आप लोग कमेंट्स भी करते हैं कि आपकी उर्दू ऐसी है, आपकी उर्दू वैसी अब मैं क्या करूँ मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हाँ सिंधी भी जो है ना मेरी ऐसी है फिर सिंधी में मैं मिकसिंग बहुत करती हूँ देखिए यहाँ पर इफ्तार हो गई यहाँ पर मगर अपनी नमाज भी हो रही है और साथ ही साथ में पिंक ग्रीन टी वी ऊपर लेके आई हूँ तो मैंने यहाँ पर इस्तीफा रख दी कि फिर वहाँ रखती हूँ ना साइट टेबल बिल्कुल ही ठंडी हो जाती है और फिर हमारा प्लान बन गया है बाहर जाने का थोड़ी सी ईद की शॉपिंग करें असल में कल रात को ना मेरी खाला ने कॉल की जो कि यू में होती है उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए जो है कपड़े देखें क्योंकि ऑनलाइन उनको वहाँ बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं और जो है ना ऐसे पाकिस्तान से लेना या किसी के थ्रू लेना बहुत ईजी हो जाता है आप में से बहुत लोग हैं जो कि मुझे कहते हैं कि हमारी हेल्प कर दें हमें भी ले दें लेकिन आई एम सो सॉरी मैं आप लोगों को कैसे ले दे सकती हूँ मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉमेशन चाहिए होती है फिर जो है ना कुछ गड़बड़ हो जाए हिसाब में मसला हो जाए तो मुझे बहुत म होता है इन बातों का तो मैं बस नहीं करना चाहती अब वो तो अभी खाला है मेरी क्लोज हैं तो मैं उनसे कुछ भी मतलब लेन देन के हिसाब से हमारा होता रहता है तो इतना मुश्किल नहीं होता लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ा सा ऑर्ड हो जाता है एंड आई एम ग्लैड कि आप समझते भी हैं ये बात और उसके बाद जो देखें जो है बस मैंने जो अपना हिजाब वगैरह कर लिया मैं कोशिश करती हूँ रमज़ान में जो हूँ ना रमज़ान में जो है ना मैं हिजाब करूँ मैं ज़्यादा जो है ना ऐसे पर्दा करूं ज़्यादा बाहर नहीं जाऊं वो अलग बात है कि दोस्तों के साथ आप जाते हैं तो फिर आप ठीक है तैयार वगैरह होते हैं लेकिन जब आप ऐसे मार्केट में जाते हैं या फिर तो मेरी कोशिश होती है कि मैं करूं तो मुझे लगता है कि यहीं से जो है ना आपको आदत पड़ती है और फिर एक दिन आप हिजाबी बन जाते हैं इन शेद दुआ है बस अल्लाह ताला हम सब को तोफीक दें कि हम पर्दा करें हम जो है अब इस्लाम के हिसाब से जो है ना उठे बैठें क्या पता हमारी कोशिश अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और हमें इसका अज़र दे अच्छा जी तो यहाँ पे देखें बच्चों के सेक्शन में मैं आ गई हूँ पहली दफ़ा और ये कपड़े थे जो कि मैं अपनी कज़न छोटी कज़न के लिए देख रही थी तो बहुत ही मुझे अच्छे लगे और अभी जो है यहाँ से तो हमने कुछ नहीं लिया लेकिन फिर दो दोबारा जाएंगे और मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर देती हूँ फिर मैं ऊपर आई हूँ और देखें ऊपर कितने प्यारे कपड़े पड़े हुए हैं इनकी प्राइजेस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमेशा की तरह आई एम सॉरी एक दो दफ़ा मैंने नहीं की होगी क्योंकि बहुत रश था उस टाइम शॉप पर और बस ये सारे कपड़े हैं आपको याद सारे कपड़े जो है ना सेल में पड़े हुए थे लाइक लिटरली थ्री फोर थाउजेंड ऑफ़ और अभी जो है ना वो ऑफ नहीं था तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था लेने का क्योंकि मैंने कहा ये तो पहले पड़े हुए थे ना सेल में तो अब मैं तीन चार हज़ार ऊपर दे के क्यों लूँ वो बस लड़कियों का होता है ना कि एक हंड्रेड भी जो है ना कम करवाती हैं तो उनको मजा आ जाता है कि बस हमारे जो है ना पैसे कम हो गए सेल में इसलिए तो हम पागल होते हैं और देखिए यहाँ पे ये खुस्से भी बहुत प्यारे पड़े हुए थे और ये खुस्से भी जो है प्राइस के साथ मैंने दिखा दिए हैं आप लोगों को और ये वाला भी बहुत ही क्यूट था और बस अभी चलते हैं हम ड्रेसेस की तरफ यहाँ पर जो है ना सॉलिड्स शर्ट्स थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई एंड इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा मुनासिब थी लाइक अराउंड टू तो थाउजेंड तक लाइक नाइनटीन नाइन्टी और उसके बाद जो है ये सूट्स थे इनके सूट्स ना बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए आई डोंट नो वाई मुझे लगते हैं या फिर आपको भी लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और ये थे बहुत प्यारे लेकिन ये वाइट में था और उसके बाद जो है ना हमने सोचा कि हम इसके बाद एथनिक भी जाएँगे लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा मेरे ख्याल से ना इनको ग्यारह बजे ऑफ नहीं करना चाहिए अभी तो रमज़ान है तो रमज़ान में टाइमिंग थोड़ी तो बढ़ा देना रोज़ा रखते है फिर इशा वगैरह पढ़ते हैं तो नो तो हो जाते हैं निकलते निकलते अब दो घंटे में हमारी कौन सी शॉपिंग होगी ग्यारह बजे सब बंद हो जाता है तो बस ये थे इनके कुछ कपड़े आप देखें अच्छा जो कपड़े आप स्टिच में देख रहे हैं ना ये सारे इनकी न्यू ईद कलेक्शन में आए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ ये जो है टीन्स का था तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि टीन एजो भी लड़कियाँ होंगी जो मुझे देख रही होंगी तो उनको भी तो आइडिया होना चाहिए ना आज तो पहली बार मैंने बच्चों के भी दिखा दिए हैं आई होप आपको अच्छे लगे हों और यहाँ पर देखें ये थ्री पीस लॉन के थे सिले सिलाए थे तो मैंने कहा दिखा देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को मसला होता है ना टेलर का और वाकई टेलर करते भी बहुत लंबी है और यहाँ पर देखिए जी हम यहाँ पर थोड़ा सा फर्नीचर पे आ गए थे फर्नीचर वगैरह देखने के लिए और यहाँ पे देखें यहाँ पे ये चेयर्स पड़ी हुई थी ये वाला वाइट जो सेट था ना मुझे बहुत पसंद आया और उसकी प्राइस सेवन सीटर की टू थाउजेंड टू थाउजेंड हालत देखे मेरी दो लाख पचहत्तर हज़ार रुपये का था और ये वाली जो डाइनिंग टेबल थी ना ये थी तकरीबन एक वन टेन में थी एक वन ट्वेंटी लाइक एक लाख बीस एक लाख दस इस तरह की इनकी प्राइस रेंज थी तो आ, मुझे क्या नहीं मतलब समझ आ रहा कि ये महंगी है या फिर सही है या फिर आ, सस्ती है तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो है जो प्राइज़ दे रहा था वो सही है या नहीं हमने बस ये ऐसा एक ओवरव्यू लिया एक आइडिया लिया कि कैसे मतलब इनकी प्राइज़ चल रही हैं फर्नीचर वगैरह की और देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं ग्रोसरी स्टोर पे और आपको पता है बीच में बस मामा की चप्पल जो है वो टूट गई तो हमने सोचा कि हम न्यू चप्पल ले लेते हैं और हमने यहाँ पर न्यू चप्पलें देखी और एक चप्पल जो है ना मैं मामा को कह रही थी आप ये पहने ये पहनो कह रही थी घर पर थोड़ी पहनते इतनी वो भरी हुई स्टोन्स वाली तो मैंने कहा पहन के तो देखे जब उन्होंने पहनी ना उनको इतनी पसंद आ गई तो उन्होंने बस डन कर दी और हमने ये चप्पल ले ली और उसके बाद जो है हम बाहर जैसे ही निकलें तो आप यकीन करें सारा सन्नाटा चाया हुआ था क्योंकि यहाँ पे ग्यारह हो गए थे रात के और सब ने जो है ना वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना उन्होंने लिटरली ब्रांड्स की शॉप पे जाके बोला कि अब बंद करो ग्यारह बजे से ऊपर नहीं रखना तो शुक्र है यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर तो खुला हुआ था एंड मैं आपको एक बात बताऊँ मुझे फाइनली कश्मीरी लाल मिर्च मिल गए जो कि मैं कितने अरसे से लाइक दो तीन सालों से मैं ढूंढ रही थी नहीं मिल रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान में और मैंने फलक के राइस उठा ली यहाँ से हमने चिकन वग़ैरह भी ले ली है और यहाँ आ गए हम सब्जियों के सेक्शन में फिर हम आ गए अपनी फेवरेट सेक्शन में जो कि है क्रॉकरी का और ये देखें ये ना जार आए हुए थे न्यू ये थे प्लास्टिक के लेकिन लग रहे थे कि ये शीशे के हैं ग्लास के हैं लेकिन आपने इनकी प्राइस चेक करनी है जो कि मैंने पहला वाला उठाया था ना उसकी प्राइस थी 1900 लाइक फॉर वार्ड प्लास्टिक के हम 1900 हंड्रेड एक जाकर क्यों देंगे तो दे वर ओवर एक्सपेंसिव और फिर हमने छोड़ दिया हमने नहीं लिया और अभी बस चलते हैं तो चलें इसी के साथ हमारा ब्लॉग एंड होता है मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अला हाफिज़